पौड़ी पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी। फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर 1,50,00,000 की धोखाधड़ी करने वाला कंपनी संचालक गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा शातिर अपराधी की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम किया गया था घोषित। 19/1/2024 को वादी तेजपाल सिंह निवासी डेम कॉलोनी श्रीनगर के कोतवाली श्रीनगर पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्तगढ़ प्रदीप कुमार, ब्रजमोहन, कुलदीप कुमार, गोविंद प्रसाद, मनोज सिंह के द्वारा गुरुद्वारा रोड श्रीनगर में फर्जी चिटफंड कंपनी अंतरिक्षा किसान मित्रा प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी खोलकर उसमें निवेश कर लोगों की जमा राशि पर अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर ₹1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। ऐसे शिकायती पत्र के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में अपराध पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में 22/3/2024 को अभियुक्त ब्रजमोहन, कुलदीप कुमार, मनोज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा अभियुक्त गोविंद प्रसाद की किन्हीं अन्य कारणों से मौत हो गई थी और कंपनी का मुख्य संचालक प्रदीप कुमार मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार फरार चल रहा था। मुख्य अभियुक्त प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभियुक्त शातिर किस्म के होने के कारण लगातार अपने ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया था। श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा पतारसी सुरागरसी कर विभिन्न जगहों में दबिश देने के फलस्वरूप उपरोक्त अभियोग में संलिप्त और इनामी अभियुक्त प्रदीप कुमार को मंगलौर हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कर आवश्यक कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद पौड़ी पुलिस की टीम के द्वारा 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति चिटफंड कंपनी का एक मुख्य संचालक था, जो कि काफी समय से लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके द्वारा एक फर्जी चिटफंड कंपनी चलाई जा रही थी और कई लोगों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लिए, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था और जो इसका मुख्य संचालक है वो पिछले 9 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज हमारी टीम्स ने इसको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर भारत वर्ष के लिए श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।